शिव की नगरी शिवपुरी में शनिवार को चांद की सेना संगठन द्वारा विश्व शांति के लिए हनुमान जी के ज्ञान और शक्ति की पार सुंदरकांड का महापाठ किया गया। शहर के पोलो ग्राउंड में आयोजित इस ऐतिहासिक सुंदरकांड पाठ में जब एक साथ 30,000 से अधिक लोगों ने एक स्थान पर बैठकर सुंदरकांड का पाठ किया तो आसमान सुंदरकांड के पाठ की चौपाइयों से गुंजायमान हो उठा। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में स्वयं हनुमान जी महाराज मंच पर विराजमान रहे। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले देश विदेशों से पधारे साधु संतों और आयोजन समिति के सदस्यों द्वारा भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण और संकट मोचन हनुमान जी की पूजा अर्चना की गई। साधु संतों के साथ सांसद मंत्री हुए कार्यक्रम में शामिल। शिवपुरी में आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शहर सहित जिले भर से महिला, पुरुष और बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। वहीं जनप्रतिनिधि भी ऐसे ऐतिहासिक पल के गवाह बने। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, सांसद केपी यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। की कमी नहीं है, देश की व्यापार की कमी नहीं है, पुरुष समुदाय की कमी नहीं है, कमी आ रही है। विश्व शांति की कामना से जानकी सेना संगठन द्वारा 11,000 लोगों का आह्वान किया गया था, 11,000 लोगों को सुंदरकांड का, लेकिन हर्ष का विषय है कि सभी लोगों के सहयोग से आज शिव की नगरी, पावन नगरी शिवपुरी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और ओएमजी की टीम ने पाया है कि 30,000 लोग से अधिक लोगों ने यहाँ एक साथ सुंदरकांड किया है, जो विश्व रिकॉर्ड बना है। सभी लोगों ने हिस्सा लिया है, सभी धर्म प्रेमी लोगों ने इस आयोजन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। जैसा कि ये सफल आयोजन संगठन द्वारा किया गया, क्या इस संगठन जानकी सेना पिछले 8 वर्षों से निरंतर सुंदरकांड का पाठ करती आ रही है, लेकिन इतने बड़े स्तर पे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के जानकी सेना एक क्रांति का आगाज कर दिया है। अब यही नहीं, अन्य स्थानों पर भी जानकी सेना बेहद आयोजन करेगी। ये कोई साल से नहीं है, ये आयोजन आज शुभारंभ किया है। माता जानकी जी चाहेंगी तो हम निरंतर इस आयोजन को करेंगे। जी सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है। 11,000 लोगों का हमने संकल्प लिया था, ओएमजी की टीम ने पाया कि 30,000 से अधिक लोगों ने कार्यक्रम किया है।